आज की हमारी शॉर्टिंग ट्रिक्स में हम बात करेंगे कुछ शॉर्टिंग के ट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे पास जैसे आप दिस नेम देख रहे हैं पूजा और यहाँ पूजा देख रहे हैं, या अजीत है और यहाँ भी अजीत है। तो एक जो है कैप्स लेटर में है और दूसरा है स्मॉल लेटर में, ठीक है ना? तो क्या होगा अगर हम शॉर्ट करें। तो मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग मैंने लिया और शॉर्ट ए टू जेड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मिक्स अप आ रहा है, मिक्स अप आ रहा है ना। हाँ जी सर, तो मैं चाहता हूं कि नहीं, कैप्स अलग हो जाए और हमारा स्मॉल लेटर अलग हो जाए। मतलब कैप्स लेटर को अलग करना चाहता हूँ, स्मॉल लेटर को अलग करना चाहता हूँ, इकट्ठा करना नहीं रहना चाहता, मिक्सअप नहीं करना चाहता किसी रीजन से, समझ लीजिए। तो मैं कस्टम सॉर्ट पे जाऊंगा और यहाँ ऑप्शन पे, आपको दिखेगा केस सिंथेटिक, दिख रहा है केस सिंथेटिक। इस केस सिंथेटिक पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, देन ओके कीजिए। ऐसा करते ही देखिए स्मॉल एक जगह आ गया और कैप्स एक जगह आ गया। एक है इसलिए हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, तो चलिए हम कुछ ज्यादा अजीत को डाल देते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां शॉर्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि अजीत यहां पर है और जीत यहां। आप बोलेंगे सर आपने तो अभी कस्टम कैंसिल सिलेक्ट नहीं किया। एक बार जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें सिलेक्ट रहता है, तो नेक्स्ट टाइम हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? एक सेकंड देखें, अच्छा सॉरी सर, तो केस सेंसिटिव का यूज करते हैं तो इसका हो सकता है। अब केस सेंसिटिव यूज कर लिया है तो एक चीज और हो सकती है। मान लीजिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट। अभी मेरे पास एक डेटा यहाँ आपको दिख रहा है, मुझे इस डेटा को शॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ रो सर, वाइज है। हाँ रो वाइज, कि कौन से महीना सबसे ज्यादा सेल हुआ है अजीत का, मुझे देखना है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करें तो एक चीज का ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखें कि आप हेडिंग को सिलेक्ट ना करें। किसको सिलेक्ट ना करें? हेडिंग को सिलेक्ट ना करें। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कस्टम शॉर्ट में जाते हैं, और जहां पे हमने केस सेंसिटिव को सिलेक्ट किया है उसी के नीचे आता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट कीजिए। अब ये आपका यहाँ पे रो 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे अगर सेल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो रो 2, क्योंकि दूसरा नंबर रो है, इसको सिलेक्ट करके और अपना सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, एंड जस्ट प्रेस्ड ओके। तो आप देखेंगे कि लोएस्ट वैल्यू लोएस्ट टू हाईएस्ट ये हमारा शॉर्ट हो गया। तो आपने दो तरह के शॉर्ट सीखे, पहली शॉर्ट जो ट्रेडिशनल है हम टॉप टू बॉटम करते हैं, और दूसरी शॉर्ट जो हमने लेफ्ट टू राइट करते हैं उसी का। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर K1 K2 सिलेक्ट कर लूंगा तो नहीं होगा? K1 K2 सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो एक चीज थोड़े शॉर्ट होगा, शॉर्ट एक डेटा होगा ना, आपको तो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। ओके okay.
तो मैंने बोला कि ये हेडिंग को मत कीजिएगा, ये जे वाले को, क्यों? क्योंकि फिर हेडिंग भी शॉर्ट हो जाए, वो हेडिंग को रिकनाइज नहीं करता है। देखिए, जब आप शॉर्ट करते हैं नॉर्मल डेटा पे टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाके मैंने अगर टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया तो माई डेटा हैज ए हीडर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, जिसपे क्लिक करने के बाद आपके हेडिंग शो होते हैं ना। तो जब शॉर्ट करते हैं तो हेडिंग अपने जगह से नहीं हिलता है, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम सेलेक्ट ना करके लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब यहाँ पे मैं जाके ऑप्शंस में लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ देखिए माई डेटा हैज ए हीडर का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, जिस कारण से अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो देखिए नेम भी अपने जगह से हट जाता है, हट गया ना। ओके इसलिए हमने आपको बोला कि हेडिंग को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। आगे बढ़े प्रसन्ना जी, प्रशंसा जी आगे बढ़े सर, सॉरी कांसा जी आगे बढ़े। हेलो मैम आगे बढ़े। हाँ मैम मैंने क्वेश्चन आज ना पूछने के लिए मना किया है, रिप्लाई तो कर ही सकते हैं आप, लग रहा है बोला बात क्या? नहीं, वो मेरा म्यूट था, मुझे पता नहीं, मैं ये बोल तो रही थी। होता है कि अगर किसी को चुप रहने के लिए बोल दे तो मौन व्रत भी धारण कर लेता है, आज मेरा मौन व्रत है पूरा दिन का। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन ये है, अब अगला हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक डेटा है, अब मुझे क्या करना है कि हर डेटा में एक ब्लैंक रो हर एक डेटा के बाद डालना, इस तरह से दिख रहा है आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्लस कंट्रोल प्लस करने पे रो इंसर्ट हो जाता है। रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? हाँ, कंट्रोल कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस, और डिलीट करने का क्या और होगा? इंसर्ट पे भी कर सकते हैं सर, तो भी हाँ इंसर्ट हो तो जाएगा, राइट रख क्लिक करके आप के और उसको इंसर्ट राइट पे क्लिक क्लिक करके कर भी इंसर्ट देंगे। कर ही सकते हैं, तो है यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैं लेकिन तो ऐसे ही इसमें करती हूँ। हाँ, हाँ ये इसके लिए कंट्रोल प्लस होता है, कंट्रोल प्लस, और डिलीट करने का कंट्रोल माइनस, कंट्रोल तो प्लस से और इंसर्ट। कंट्रोल माइनस रो एंड कॉलम दोनों पे चलता है, बस आपको सेलेक्ट करना हो। अब सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, पूरा कॉलम सेलेक्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल कंट्रोल ए, ए, नहीं कॉलन की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल ए तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर देता है। हाँ, कंट्रोल ए पूरा डेटा सेलेक्ट। तो आपको सेलेक्ट करने के लिए करना होगा कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार से कॉलन सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट करते हैं। ओके ये सब चीजें आप एक्सेल हेल्प में शॉर्टकट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? ठीक तो यहाँ हमने क्या किया कि ये इंसर्ट कर दिया, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी डेटा कुछ खास नहीं है, 10-20 डेटा है तो हम इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डेटा हजारों में हुआ तो क्या होगा, एक एक इंसर्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्या सर? तो सर। इस केस में हम एक ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, हम लास्ट में सीरियल नंबर लिखेंगे और सीरियल नंबर लिखने के बाद नीचे तक ड्रैग कर, ड्रैग कर दिए और फिर उसी सीरियल नंबर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिए सर। मतलब कि हमने एक कॉलम इंसर्ट किया, उसमें सीरियल नंबर लिखा और उसी सीरियल नंबर को मैंने कॉपी करके नीचे रिपीट कर दिया। अब क्या है कि मेरे इस कॉलन एच के अंदर में हर नंबर दो बार है, से वन दो बार है, एक वन के साथ हाँ डेटा जी है और दूसरा वन के साथ क्या है, सर, ब्लैंक खाली खाली है। है। जब हम हाँ शॉर्ट सीरियल नंबर हाँ अकॉर्डिंग करेंगे तो इस वन के नीचे वन आ जाएगा ना, इस तरह से। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कभी भी कोई सेल अकेला शॉर्ट होकर ऊपर नीचे नहीं होता है, ये पूरा रो को लेके जाता है। तो जब ये वन ऊपर वाले वन के नीचे आएगा तो अकेले नहीं जाएगा, ये पूरा रो उठा के ले जाएगा और इसके पास क्या है, ब्लैंक रो। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम गए कहाँ पे, कस्टम शॉर्ट, और क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से टॉप टू बॉटम करेंगे, उसके बाद माई डेटा हैज ए हीडर पे क्लिक करेंगे, हट गया था है, फिर सीरियल नंबर को लेंगे,
एंड ओके करेंगे और फिर सेल नंबर को डिलीट कर दीजिए। हो गया ऐड सर। चलिए एक बार और बताते हैं, आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है और डेटा मेरा लाखों में है, इसको मुझे क्विकली करना है। तो सबसे लास्ट पर डेटा के सबसे लास्ट कॉलम में जाएंगे, सीरियल नंबर को लिखेंगे, 1 2 लिख के नीचे तक ड्रैग कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा या फिर नॉर्मली ड्रैग भी कर सकते हैं आप। फिर कॉपी करें और सबसे नीचे डेटा के जाएं और पेस्ट करें। करने का मतलब है कि जो सीरियल है उसको 2 बार रिपीट कर दें। कितने बार रिपीट कर दें? 2 बार रिपीट कर दें। उसके बाद सीरियल नंबर पे जाएं और पूरे डेटा को सेलेक्ट करें, कस्टम शॉर्ट पे आए। शॉर्ट करने से पहले चेक करें कि आपका माय डेटा है हिडन है नहीं है। नहीं है इसका मतलब है कि ऑप्शन में टॉप टू बॉटम सेलेक्ट नहीं है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद चेंज नहीं होता है, बार बार मैं अंडो कर रहा हूँ ना, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर को लेंगे और शॉर्ट हो गया और सीरियल नंबर को डिलीट कर रहे। समझ में आ गया आपको? सोमन जी ऊपर वाले सीरियल नंबर को हम डिलीट कर देंगे, मतलब सारे ही को डिलीट कर देंगे। हाँ तो जो हमने हमारा हमने क्यों यूज किया था, हमने टेम्पररी लिया था ना उसको, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटा, डेटा का पार्ट थोड़ी है। तो हमने टेम्पररी ऐड किया था, हमारा काम हो गया, हम डिलीट कर देंगे। ना डिलीट करेंगे तो जिसने डेटा आपको भेजा है वो पूछेगा भाई सीरियल नंबर का चीज का है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है सर, एक बार वो रो वाला फिर से बताएंगे जो कट करके आपने यहाँ पे किया था, रो लेफ्ट टू राइट वाली। हाँ लेफ्ट टू राइट वाली, उसमें क्या है आपको कॉपी, आपको पहले आपका डेटा, अपना डेटा होना चाहिए। तो मेरे पास जो डेटा है उसको एक बार देख लेते हैं। डेटा, डेटा पे जाए, हेडिंग को छोड़ के सेलेक्ट करें और यहाँ शॉर्ट में ऑप्शन पे लेफ्ट टू राइट को सेलेक्ट करें। किसको सेलेक्ट करें? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। फिर आप किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं उस रो को सेलेक्ट करके ओके कर दे। सिंपल। अच्छा रो का भी हमें देना पड़ेगा, 1 2 3 किस रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ओके ठीक है सर। हाँ और ये भी बता दो दोबारा, चलिए दोबारा एक और बता देता हूँ सीक्वेंस में। तो सीरियल नंबर को नीचे ड्रैग किए, सीरियल नंबर को वापस कॉपी किए, नीचे पेस्ट किए, अब इसको कॉपी कर लेंगे। हाँ इसको कॉपी किए, फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे पहले चेक कर लीजिए कि ये लेफ्ट टू राइट तो नहीं है, टॉप टू बॉटम होना चाहिए, माय डेटा हैज हेडर पे क्लिक होना चाहिए। यहाँ से हेडर को सेलेक्ट कर लें, शॉर्ट टू लेफ्ट हो गया। सर्च कर यहाँ पे, हेलो समझ गए? और एक बार करना पड़ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहाँ ब्लैंक्स है ना, ब्लैंक। अब मुझे अगला क्वेश्चन ये है कि हम सारे ब्लैंक को डिलीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सारे तो सर वो सेलेक्ट करके डेल मार देंगे तो भी तो हो जाएगा। तो हम ब्लैंक को ही करना है ना हमें। हाँ तो ब्लैंक को ही सेलेक्ट कर ले, जैसे मान लीजिए रो तो कैसे रहा, एक एक करना पड़ेगा, एक इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। हाँ सर, 7 लाख डेटा हो गया तो काम हो गया, 1.5 साल का काम हो गया आपको डिलीट करने। अब हम पूरे ऑटोमेशन, आप समझिए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरा काम कंप्यूटर करे। मैंने कंप्यूटर को इतना पैसा लगा के खरीदा है तो मैं काम क्यों करूं, मेरा काम कंप्यूटर करेगा। सिर्फ मैं कमांड दूं। तो यहाँ क्या करना है आपको कि सिलेक्ट करना है और आपको किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देना है। तो अगर आपके डेटा में बहुत सारे डिलीट्स हैं, अब डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है, फिल्टर लगा के डिलीट करना चाहे नॉर्मली डिलीट करना में गलतियां हो सकती है कि डेटा भी डिलीट हो सकता है या कोई छूट सकता है,
तो उस केस में आप क्या करें, डेटा को किसी एक के अकॉर्डिंग नेम या किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दें। शॉर्ट होते ही क्या होगा कि आपका ब्लैंक रो डिलीट नहीं होगा, ब्लैंक रो नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं क्या आ गया, अच्छा, नीचे आ गया, नीचे राइट सर। गया। तो आज के लिए इतना ही।